हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय डे टू ऑफ पॉन्डिचेरी व्लॉग। सो सुबह के बज गए थे 8 और हम आ गए थे अपने ब्रेकफास्ट बुफे के लिए। 8 से 10 है बुफे का टाइमिंग। सो हम जल्दी से सब काम खत्म करके आ गए हम ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत सारे ऑप्शंस थे ब्रेकफास्ट में, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। ब्रेड बटर जैम, उपमा, इडली, वड़ा, देन लेमन राइस, पूरी, सब्जी, जूस, केसरी, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, एवरीथिंग, टी, कॉफ़ी तक भी अवेलेबल थे। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने लिया था टी, हमने इंजॉय किया। मम्मी पापा चले गए थे रेस्ट करने के लिए और मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे थोड़ा फोटोशूट करने के लिए। अगर आप पौंडीचेरी आए हो और फ्रेंच कॉलोनी जाकर फोटोशूट ना किया हो तो फिर क्या ही मतलब है पौंडीचेरी आने का। सो हम जल्दी से चले गए फोटोशूट करने के लिए बिकॉज हमारा 11 बजे का चेकआउट टाइमिंग था। सो हमने बहुत सारे फोटोज़ क्लिक किए, आप चेक कर सकते हो। बहुत ही सुंदर सुंदर स्पॉट्स थे, हमने हर एक, नॉट एवरी स्पॉट बट हमने लिटरली ऑलमोस्ट जो भी अच्छे अच्छे स्पॉट हमें लगे हमने सारे में फोटो क्लिक्स किए। सो आप वो चेकआउट कर सकते हो। एंड मेरा जो सबसे फेवरेट स्पॉट था वो था ये वाला घर। लाइक डोर का पेंट, वॉल और ये जो फ्लावर्स थे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो बहुत ही अच्छा लगा। हमने थोड़े रील्स भी बनाए एंड ये हमने इंजॉय किया। फिर वो सब ख़त्म करने के बाद हम निकल पड़े। गर्मी बहुत थी तो मैंने एक रोज़ मिल्क पिया जो कि मुझे उतना खास नहीं लगा बिकॉज मैंने इससे भी बहुत टेस्टी रोज़ मिल्क पिया हुआ है, बट ठीक है जो भी है, अभी क्या ही कर सकते हैं। फिर हम आ गए वापस होटल और हमें करना था चेकआउट। सो ये दोपहर के टाइम का व्यू है होटल का जो कि बहुत सुंदर है। आप मेरा डे 1 चेक कर सकते हो, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है। वाइट पर्ल रेसिडेंसी लाइक रोड के ऊपर है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि स्टे वगैरह सब बहुत अच्छा था। उसके बाद चेकआउट करने के बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि था पैराडाइज बीच। और ये वो एंट्री है पैराडाइज बीच का, आपको पार्किंग का देना पड़ता है, कुछ टिकट फीस रहता है। उसके बाद आप एंट्री करो और गर्मी इतनी होती है कि आपको ऑब्वियसली सनग्लास और कैप्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने भी कैप्स लिए बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद ये एंट्री करो तो इतना सुंदर सा लग रहा था ना, लाइक चारों तरफ पेड़ थे, गर्मी थी बट ठीक है, पेड़ की वजह से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। उसके बाद आपको अगर पैराडाइज बीच में जाना है तो ये यहाँ पे टिकट काउंटर आपको क्यू में लगना पड़ेगा। पर हेड आई गेस 354 और समथिंग था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो कैसे ये सारे बोट्स होते हैं, मोटर बोट, वो आपको वो बीच तक पहुँचाते हैं। कुछ टाइम लिमिट्स होते हैं, आपको उतने टाइम लिमिट के अंदर वापस आना पड़ता है, अदरवाइज कुछ चार्जेस है उनके। सो वो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करना वो मेरे हस्बैंड कर रहे थे, तो उसमें वो ज़्यादा माहिर है तो वो सारी चीज़ें हैंडल कर रहे थे। उसके बाद हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन पे और वहाँ तक पहुँचने का व्यू इतना प्यारा था, आपको लगेगा ना जैसे आप केरला पहुँच गए हो। बहुत सुंदर हवा आ रहा था एंड ऑब्वियसली बोटिंग वगैरह में तो किसको इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे तो खास करके बहुत मज़ा आता है बोटिंग वगैरह, एंड ये सारे व्यूज़ देखने में तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर हम पहुंच गए पैराडाइज बीच में, यहाँ पे आपको बोट पहुँचा देती है एंड ये वो आइलैंड होता है। लाइक गर्मी इतनी है ना कि स्लिपर्स भी अगर आप पहनो तो सैंड इतना गर्म होता है ना कि आप चल नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। ये एंट्री है यहाँ से, फिर आपको यहाँ पे फिश स्पा वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। हमने मोस्टली यहाँ पे हम आए थे टाइम स्पेंड करने के लिए, थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए कि पैराडाइज बीच क्या है, बट बहुत ही सुंदर बीच है, बहुत ज़्यादा हमें पसंद आया। एंड लाइक चारों तरफ ग्रीनरी थी एंड थोड़ा सा लग रहा था जैसे मॉलडीव्स आ गए, वैसी वाली फीलिंग हो रही थी, बट बहुत सुंदर था क्योंकि वैसा दिख ही रहा था, लाइक पूरी वाइट सैंड थी एंड पानी इतना ब्लू था, बहुत ज़्यादा सुंदर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई नो मैं बहुत ज़्यादा बहुत सुंदर बोल रही हूँ बट ये एग्जैक्टली मैं वैसा था, जब तक आप वहाँ जाओगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या प्लेस है, बट बहुत ही सुंदर प्लेस थी ये। हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम पहुँच गए थे दोपहर में, दोपहर हो गई थी तो ऑब्वियसली भूख लगेगी, तो हमने सोचा कि हम लंच कर लेते हैं। एंड आपको हर चीज़ें यहाँ पर मिलेगी, कैमल राइडिंग अगर करनी है तो वो है, देन कुछ वो जो सैंड वाली मोटर बाइकिंग होती है वो सारी चीज़ें भी है, आइसक्रीम वगैरह, जूस वगैरह सब चीज़ अवेलेबल होती है। सो हम सबसे पहले पहुंच गए लंच करने के लिए क्योंकि टाइम हो गया था तो भूख सबको लग रही थी। एंड ये वो रेस्टोरेंट था जहाँ हमने सोचा हम खाना खाएंगे एंड हमने बहुत अच्छा एक सीट ले लिया था क्योंकि वो एकदम बीच के सामने था, तो हम एकदम व्यू एंजॉय कर रहे थे और अपना लंच कर रहे थे तो मज़ा आ रहा था। हमने ऑर्डर किया था फ़िश फ्राई, जूस क्योंकि गर्मी बहुत थी, और राइस एंड फ़िश करी। क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा ये देते हैं तो अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा क्वान्टिटी देख कर ही ऑर्डर करना क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर ये ना ऐसे ऐसे हट्स जैसे थोड़े बने रहते हैं तो आप वहाँ पर अपना बैठ कर इंजॉय कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो मैं और मेरे हस्बैंड
बेसमेंट बैठ के वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, मम्मी पापा अपना एक हट में बैठ के वो लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम चले गए बीच में, क्योंकि अगर आप आए हो पैराडाइज बीच में और आप अगर पानी में ना जाओ तो फिर क्या ही मतलब होता है। तो हम चले गए वहाँ पे, हमने थोड़ा सा इंजॉय किया, उसके बाद थोड़ा टाइम स्पेंड किया, मज़ा आया पानी में खेलकर। उसके बाद बहुत ही हमने बहुत सारे सीशल्स कलेक्ट किए, वो आप आगे देख सकते हो, बहुत सारे सीशल्स मैंने तो खास करके बहुत ज़्यादा कलेक्ट किए। उसके बाद हो गया था टाइम जाने का, सो हम लोगों ने जल्दी से अपना बोट ले लिया और हम जा रहे थे वापस अपने स्पॉट पे। एंड आपको कैसे ना वहाँ पे लाइन पे रुकना पड़ता है, तो आप कोशिश करना जल्दी से आ जाओ, रिटर्न कर लो, क्योंकि कैसे बोट आने में टाइम लगता है। तो फिर सब होने के बाद हमने वापस से प्लान किया कि हम ऑरोविल बीच जाए, सो जाने से पहले, रिटर्न करने से पहले हमने ऑरोविल बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड किया। कैसे हमारा 2 दिन का ही ट्रिप था, सैटरडे सुबह हम निकले थे एंड संडे को रिटर्न आने का हमारा प्लान था रात में। उसके बाद फिर से हमने नारियल पानी पिया क्योंकि बहुत गर्मी थी, और फिर हम निकल पड़े अपने घर के लिए। एंड फिर हमने डिनर किया अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में, जो कि है मद्रास क्रॉनिकल। हमें ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनका खाना भी बहुत टेस्टी होता है एंड एम्बियंस भी बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। सो हमने ऑर्डर किया था नान, बटर नान, पनीर बटर मसाला एंड बेबी कॉर्न, जो कि बहुत ही टेस्टी था, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड हमने ऑर्डर किया था वॉफल, ओरियो वॉफल, कुछ बिस्किट वॉफल था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद मैंने रेवन ब्लॉग में एक बताया था ना मार्केट के बारे में, आपको सब चीज़ वहाँ पे मिलती है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। मैंने वहाँ से ना ये लाइट लिया था जो मैं बताना भूल गई थी, सो वो इस तरीके का दिखता है। मैंने इसको अपने बेड पे डेकोरेट किया है, तो बहुत ही सुंदर लाइट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तक तो वो ऑब्वियसली वर्क कर रहा है। सो या दिस इज इट, बाय।